Hello class 10. Today we are starting a session number 2, working independently. Working independently में हम देखेंगे independent working क्या है, work style क्या है independent working की और qualities क्या होनी चाहिए independent working के लिए. So let's start with introduction. तो team में work करना हमें आना चाहिए, साथ ही हमको independently भी work करते आना चाहिए. Independently work का मतलब क्या है कि हर चीज़ आपको खुद ही करनी है, किसी चीज़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इसमें. अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो बेनिफिट भी आप ही को मिलता है, अगर कुछ गलत हो जाता है, कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान भी आप ही को, उस नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होते हैं, है ना. तो जैसे ह्यूमन बीइंग में टीम में वर्क करने की हैबिट होती है या होनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से इंडिपेंडेंटली अकेले भी वर्क करने की हैबिट होनी चाहिए. मतलब अ ह्यूमन बीइंग शुड हैव बोथ क्वालिटीज लाइक वर्किंग इन अ टीम आल्सो एज वेल वर्किंग इंडिपेंडेंटली आल्सो, है ना. वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स एंड वी आर नथिंग विदाउट अदर्स. हम एक सोशल ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल्स ही होते हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, किसी के बिना कुछ नहीं होता है ना. राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड्स वी हैव बीन टॉट अबाउट हैविंग टीम स्पिरिट, है ना. बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि टीम में काम करना, टीम में काम करने से आपका कोई भी कठिन से कठिन काम बहुत ही आसानी से और जल्दी होता है. द आर्ट ऑफ वर्किंग इन टीम्स एंड सो ऑन. तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि टीम वर्क अच्छा होता है या टीम में काम करने से कोई भी टास्क बहुत जल्दी हो जाता है. हैविंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग टीम प्लेयर इज नीडेड एक्सलेंट क्वालिटी. हाउएवर इन लाइफ नॉट ऑल द ओकेजन्स एंड सिचुएशन डिमांड अ टीम वर्क. हमेशा आपको टीम में काम करने का चांस नहीं मिलता है, कभी कभार रिक्वायरमेंट होती है, कोई ऐसा ओकेजन या सिचुएशन आपके सामने आती है कि आपको अलोन वर्क करना है, टीम वर्क नहीं है ना. मैनी कंडीशंस रिक्वायर्स दैट वन मस्ट बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन ऑन वंस ओन एंड वर्क इंडिपेंडेंटली. तो बहुत सारे सिचुएशन हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं कि किसी काम को हम अकेले ही हमको हैंडल करना होता है, है ना. सम सिनारियोज रिक्वायर इंडिपेंडेंट वर्किंग सच एज सेल्फ लर्निंग. इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ग्रास्पिंग कंसेप्ट भी होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को जल्दी से कैच करने की आपकी ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए. डूइंग सेल्फ रेगुलेटेड रिसर्च, खुद ही को हर चीज़ की रिसर्च करनी है, जानकारी इकट्ठा करनी है, वर्किंग ऑन एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एंड सो ऑन. तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमको देखना है कि इंडिपेंडेंटली वर्किंग में क्या इंपॉर्टेंट है. सो यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क. आप इसमें इंडिपेंडेंट वर्किंग में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, है ना. यू टेक द ओनरशिप ऑफ इट. तो हर चीज़ के आप ही मालिक हैं, अगर गलत करेंगे तो भी आप और सही करेंगे तो भी आप ही करेंगे. यू आर रेडी टू अनसुपरवाइज्ड वर्क. यू डू नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट सुपरविजन. अब आप ही इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो आपको सुपरवाइज कोई नहीं करेगा, ये सब आप ही को करना है. यू आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड बजट एंड दैट टू एज पर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलीवरेबल्स. कि आप दिए हुए टाइम लाइन में, दिए हुए बजट में आप रिस्पॉन्सिबल है आपको काम करने के लिए आप इंडिपेंडेंटली, है ना. नॉट ऑल सिचुएशन आर फिट फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग. तो सभी सिचुएशन इंडिपेंडेंटली वर्किंग के लिए भी नहीं होती है, तो सभी सिचुएशन टीम वर्क में भी करने की नहीं होती है, है ना. कभी सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है. देर आर सिचुएशन इन विच यू मस्ट नो हाउ टू वर्क विद अ टीम एंड इन अ टीम बी अ टीम प्लेयर. सिमिलरली नॉट ऑल सिचुएशन आर फिट टू अ टीम वर्क. तो नहीं होती ना, हर टाइम सिचुएशन नहीं होता है कि आपको टीम वर्क ही करना है, या हर टाइम वैसे सिचुएशन नहीं होती कि आपको इंडिपेंडेंटली करना है. तो यू हैव टू बी डायनेमिक. आपको दोनों सिचुएशन में काम करने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए. हाउएवर सम सिचुएशन रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट वर्किंग. सो यू शुड हैव बोथ द क्वालिटी सो दैट यू एक्सेल इन योर लाइफ. सो नाउ द व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग. सो यू डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर योर वर्क.
ये तो बात है ही कि आप किसी चीज़ के लिए आप किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, आप ही को करना होता है. सो यू आर ओन बॉस एंड कैन डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू. आप अपने बॉस खुद होते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, आप ही डिसाइड करते हैं कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है. यू कैन वर्क एट योर ओन पेस एज पर योर ओन वर्किंग स्टाइल. तो आप अपने तरीके से काम को कर सकते हैं, आप अपने वर्किंग स्टाइल में आप काम को करते हैं. इट इज ईजियर टू फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेट एज देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट. तो इसमें आप कॉन्सेंट्रेशन आप अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होता, या कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई डिसएग्रीमेंट्स के लिए आपके आपको कुछ कहने नहीं आता है, है ना. सिंस देयर आर नो इंटरेक्शन एंड मीटिंग्स एंड यू आर एबल टू अकम्प्लिश द टास्क फास्टर. तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, किसी का इंटरेक्शन नहीं होता है कि हाँ अभी मीटिंग है, अभी ये है, अभी वो है. बिल्कुल भी आपका ऐसा टाइम वेस्ट नहीं वाली चीज़ नहीं होती है. तो आप किसी भी काम को बहुत फास्टली कर पाते हैं. सो इफ यू नीड यू गेट द फुल क्रेडिट. सिमिलरली इफ यू सक्सीड यू गेट द फुल क्रेडिट. सिमिलरली इफ यू फेल द फुल ब्लेम इज ऑन यू. ये तो बात है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, अगर काम सक्सेस होता है तो क्रेडिट भी आप ही को जाता है, अगर आप फेलर होते हैं तो ब्लेम भी आप ही पे जाएगा. वर्क स्टाइल फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग. अब इंडिपेंडेंट वर्किंग का वर्क स्टाइल या वर्किंग स्टाइल क्या होना चाहिए, है ना. तो पहला बी ओन सुपरवाइजर. आप खुद के सुपरवाइजर आप खुद ही होते हैं, है ना. खुद ही को आपको देखना होता है, खुद ही को आपको कुछ करना होता है, आपको कोई गाइड नहीं करता. फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग इट इज इसेंशियल दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ. मतलब आप को अपने बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए कि हम में क्या स्ट्रेंथ है, हम में क्या वीकनेस है. अपने आप को पहचानते आना चाहिए, अपनी एबिलिटीज पहचानते आनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट को जानना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हम क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, हम किस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते. ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए. सो फॉर सो दैट यू कैन यूज ऑल दिस एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड यू टू योर एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर में और उसको असेंबल करने में, है ना. तो मतलब आप एक कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हैं, हार्डवेयर में आपको इंटरेस्ट है. फॉर योर प्रोजेक्ट यू नीड अ हाई पावर हाई स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर विच इज़ वेरी कॉस्टली इन द मार्केट, बट बाय असेंबलिंग योर सेल्फ. आपको एक हाई स्पेसिफिकेशन वाला कंप्यूटर का ज़रूरत है और अगर आप इसको मार्केट से परचेस करते हैं तो ये आपको कॉस्टली मिलेगा. सो दैट टाइम अगर आपका नॉलेज है, अगर आपको इंटरेस्ट है, सो यू कैन असेंबल योर ओन, है ना. आप खुद ही असेंबल कर सकते हैं और कम से कम टाइम में, और इससे आपका कम से कम बजट में, मतलब पैसे की भी बचत होती है ना. सो यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सेम हाई पावर हाई स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर बाय 35% टू 40%. सिमिलरली यू शुड कीप मॉनिटरिंग योर सेल्फ, कीपिंग ऑन आई एन वॉट वेंट रॉन्ग, वॉट नीड्स करेक्शन एंड हाउ टू करेक्ट इट. तो आप ही मॉनिटरिंग खुद को आप करते हैं, आपको पता है क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कहाँ पे करेक्शन चाहिए है. तो ये सभी के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं. फिर क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स. तो आपको अपने गोल्स या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वर्क. आपके वर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है. यू शुड क्लियरली नो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ योर वर्क एंड व्हाट इट्स फाइनल फ्रॉम शुड बी. इन अदर वर्ड यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज डिलीवरेबल ऑफ योर प्रोजेक्ट. तो आप क्लियर होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के लिए. व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. अब आपको ऑब्जेक्टिव पता है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है ये भी आपको पता होना चाहिए. अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रोजेक्ट यू शुड ऑल्सो नो वॉट ऑल यू नीड टू डू टू अचीव देम. उन्हें अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा एंड वॉट देयर ऑर्डर शुड बी. उनका ऑर्डरिंग क्या होगा, प्रायोरिटी सब टास्क क्या होंगे एंड हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू ईच सब टास्क. तो हर एक सब टास्क को कितना टाइम देना है, कितने टाइम लिमिटेशन में किसी सब टास्क को कंप्लीट करना है, ये सभी आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन टेक्स इनिशिएटिव्स. इनिशिएटिव्स लेना मतलब कि आप ही हर चीज़ के लिए, आपकी ही ओनरशिप है, आप ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, होल एंड सोल.
हर चीज आप ही है, तो आप ही को हर चीज को इनिशिएटिव लेना है. एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर यू शुड बी एबल टू टेक ऑल द रिक्वायर्ड इनिशिएटिव्स ऑन योर ओन विदाउट बीइंग टोल्ड अबाउट देम, है ना. किसी को ना बोले ये आप ही को करना है, आप ही को खुद को करना है. एज पर यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क एंड इट्स रिजल्ट यू शुड टेक फुल ओनरशिप ऑफ इट एंड आइडेंटिफाई एंड टेक द इनिशिएटिव्स वेयर एवर नीडेड. आफ्टर दैट फुल कमिटमेंट, फुल कमिटमेंट दैट इज एज पर एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर यू शुड बी एबल टू कम्प्लीट योर वर्क फॉर विच यू कमिटेड एंड प्रोमिस्ड. तो आपको दिए हुए टाइम में आपने अपने प्रोमिस को या आपने जो कमिट किया है उसको कम्प्लीट करना है. सो यू शुड डू द रिक्वायर्ड एक्शन वर्क फॉर द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड एबिलिटीज एंड कम्प्लीट द टास्क. सो यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ लीविंग द क्विटिंग हाफ वंस यू कमिटेड. आपने एक बार कमिट कर दिया तो आप आधे से उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, आपको कंप्लीट करना ही होगा वो. मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस. अब वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने का क्या मतलब है कि आपको दिए हुए टाइम लाइन में वर्क तो करना ही करना है, काम कंप्लीट करना ही है, साथ में आपको अपने लिए एक रिलैक्सेशन टाइम भी निकालना है. मतलब आपकी लाइफ और वर्क लाइफ को बहुत ही अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना है. एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर एज ऑन वन ऑफ दे वन इज देयर इज टू कमांड टू यू, सो यू मस्ट डिसाइड द राइट पेस ऑफ वर्किंग दैट डज द फुल जस्टिस टू द वर्क फॉर विच यू कमिटेड. आपको फुल डेडिकेशन के साथ वर्क भी करना है एंड एट द सेम टाइम डज नॉट पुट प्रेशर ऑन यू. लेकिन आपको प्रेशराइज भी फील नहीं होना चाहिए, है ना. यू मस्ट मेंटेन प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस. तो आपको ये सभी आपको लाइफ के साथ में वर्क को भी बैलेंस करके चलना है, है ना. योर वर्क स्पीड शुड गिव यू एन एम्पल टाइम टू रिलैक्स. तो आपका वर्किंग स्पीड जितना अच्छा होगा काम करने का, उतना ही आपको रिलैक्स करने के लिए टाइम भी मिलेगा. एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी सो स्लो दैट यू आर नॉट टू ऑनर योर कमिटमेंट ऑफ टाइम. अगर आप स्लो हो जाते हैं वर्किंग में तो फिर आप दिए हुए कमिटमेंट में आप अपने काम को नहीं कर सकते. टेक्स कंस्ट्रक्टिव ओनरशिप ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर्स. A successful independent worker always owns up mistake without looking for excuses or blaming others. तो इसमें अगर कोई mistake होती भी है तो ये आप ही responsible हो इस चीज़ के लिए, लेकिन आप किसी को blame तो नहीं कर सकते इसमें, है ना. अगर success मिल रही है तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है, फेलर मिल रहा है तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है. और कोई भी सक्सेसफुल वर्कर कभी भी विदाउट एरर और विदाउट मिस्टेक कभी सक्सेस नहीं होता है, है ना. मिस्टेक से ही आप सीख कर या एक्सपीरियंस लेके आप सक्सेस होते हैं. अ सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वर्कर ऑलवेज ओन अप मिस्टेक्स विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस और ब्लेमिंग अदर्स. मिस्टेक हैपन्स इन ऑल टाइप ऑफ वर्क. हर काम में मिस्टेक्स होती है, हर प्रकार के काम में मिस्टेक होती है. देर इज नेवर सिचुएशन वेन वर्क हैपन विदाउट एनी मिस्टेक और एरर. कोई भी काम बिना मिस्टेक या एरर के नहीं होता. एज एन इंडिपेंडेंट वर्कर यू मस्ट ओन अप योर मिस्टेक्स एरर्स कंस्ट्रक्टिवली, है ना. यू शुड नॉट होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड डू करेक्ट एक्शन टू रेक्टिफाई दैम. तो आप उनको रेक्टिफाई करने के लिए करेक्ट एक्शन भी लेते हैं. नाउ द गुड एट स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो स्ट्रेस भी आपको हैंडल करते आना चाहिए. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है या बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं हो जाना है. आपको सब कुछ हैंडल करते आना चाहिए, स्ट्रेस को भी मैनेज करते आना चाहिए. एंड इंडिपेंडेंट वर्कर इज वेरी गुड एट हैंडलिंग एट द स्ट्रेस अराइजिंग आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेशन एंड चैलेंज ऑफ वर्क. अ सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वर्कर नेवर लेट सेल्फ डाउट और निगेटिव इमोशंस और पावर ही मो हर एंड कीप स्ट्रेस एट बे ऑफ मैनेजिंग इट ब्यूटिफुली. तो एक कला है या आर्ट है जो कि आपको स्ट्रेस को भी हैंडल करते आना चाहिए. अब देखेंगे कि एक्शन प्लानिंग क्या होती है. एक्शन प्लानिंग में चार चीज़ें आती हैं आपकी. एक तो गोल सेटिंग, प्लानिंग, टाइमलाइन एंड टाइम मैनेजमेंट. तो गोल सेटिंग क्या है. गोल सेटिंग मतलब आपका ऑब्जेक्टिव, आपको क्या अचीव करना है वो आपको गोल सेट करना है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द गोल, है ना.
So when the object is knows and equipped with required inputs, हमें उस objective के लिए input क्या लगेंगे, requirement क्या होगी, and worker sets the goals to achieve short term objective, medium term और long term objective. तीन तरीके के होंगे, short, medium and long term objective. तो उनके requirement के according वो set करते हैं. फिर planning कि क्या अभी उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या स्टेप लेने होंगे, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान इन ऑर्डर टू अचीव द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द असाइनमेंट. इट इन्वॉल्व थिंग्स लाइक डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड एक्टिविटीज शेड्यूल एंड एक्शन प्लान्स फॉर द सेम. तो काम को एक साथ नहीं करते, उसको छोटे छोटे पार्ट में, टास्क में डिवाइड कर देते हैं, है ना. नाउ द टाइमलाइन. तो टाइमलाइन इज, इट इज द क्रूशियल स्टेप कि हर टास्क को कितने टाइम गाइडलाइन में करना है. इन दिस स्टेप यू नीड टू अरेंज द माइलस्टोन इवेंट्स एंड एक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स. मतलब सीक्वेंस, आप जो टास्क है उनको आप सीक्वेंस में ऑर्डरली आप रखेंगे. एंड विच इज कॉल्ड द टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, जिसको हम टाइमलाइन ऑफ प्रोजेक्ट कहेंगे. सो क्रिएटिंग प्रैक्टिकल टाइमलाइन इन क्रूशियल स्टेप फॉर द सक्सेस ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्क. फिर टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होगा कि हमको देखना है कि कौन सा काम इंडिपेंडेंटली हो सकता है और कौन सा काम जो है कौन से सबटास्क एक दूसरे पर डिपेंड है, उसके अकॉर्डिंग हमको टाइमलाइन सेट करनी है. सो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स प्रायोरिटाइजिंग द सबटास्क एंड आइडेंटिफाइंग विच ऑल टास्क कैन बी डन इंडिपेंडेंटली एंड विच ऑल जॉब्स आर डिपेंड ऑन द अदर सबटास्क, है ना. कीपिंग द डिपेंडेंसी एंड प्रायोरिटीज ऑफ सबटास्क इन माइंड. तो ये सभी आपको माइंड में रखना है कि डिपेंडेंसी क्या है और प्रायोरिटी किसी काम की करने की प्रायोरिटी क्या है. सो टाइम स्लॉट्स आर अलोकेटेड टू देम इन अ डेली वर्क प्लान्स रूटीन्स वाइल कीपिंग इन माइंड एंड द शेड्यूल एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट. तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए आपको एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम शेड्यूल आपको प्लान करना है.